सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग मार्केटर चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आप अमेजोन पे चाहे एग्जिस्टिंग सेलर हो या न्यू सेलर, हर किसी का अल्टीमेट गोल होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाना, और आप ये प्रॉफिट बनाते हो एक प्रोडक्ट को सेल करके। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको एक सक्सेसफुल अमेजोन सेलर बना सकता है? तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में, बिकॉज अ सिंगल प्रोडक्ट कैन मेक और ब्रेक योर ई कॉमर्स बिजनेस। हेलो अमेजर्स, वेलकम टू अनदर लेसन ऑफ डिस्कवर अमेजॉन। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। बिफोर मूविंग अहेड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, आप अमेजॉन पे कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं या बेचने का सोच रहे हैं, मुझे कॉमेंट्स में लिख कर बताएं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ प्रोडक्ट टू सेल ऑन अमेजॉन दैट हैज द हाईएस्ट डिमांड विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिशन टू मेक द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी। मतलब ये किसी भी हाई डिमांड प्रोडक्ट की खोज करना जिस पर कॉम्पिटिशन कम से कम हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बन सके, उसे प्रोडक्ट रिसर्च कहते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च। पॉइंट नंबर वन ऑफ द बेस्ट मेमोरेबल मोमेंट। बिजनेस जिस पहले प्रोडक्ट से शुरू होता है वो भुलाए नहीं भूलता, ये एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट होता है। तो कोशिश करें कि ये प्रोडक्ट रिसर्च प्रोसेस आपके लिए एक्साइटिंग हो, फ्रस्ट्रेटिंग नहीं। पॉइंट नंबर टू, फाउंडेशन ऑफ अ न्यू एंड सक्सेसफुल बिजनेस। आपका पहला प्रोडक्ट नींव होता है आपके सक्सेसफुल बिजनेस के लिए, जो कि ना सिर्फ आपके लिए प्रॉफिट जनरेट करता है बल्कि आपके कस्टमर की डे टू डे लाइफ भी इंप्रूव करता है। पॉइंट नंबर थ्री, फ्रॉम सक्सेसफुल प्रोडक्ट लाइन टू अ बिग ब्रांड। आपका एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट जल्द ही एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट लाइन में कन्वर्ट हो सकता है, विच अल्टीमेटली टर्न्स इनटू अ सक्सेसफुल ब्रांड। अब बात करते हैं व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च के वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं? तो पहला की एलिमेंट है लो सीजनैलिटी। लो सीजनैलिटी से मतलब है कि आपको वो प्रोडक्ट सेल करने हैं जो पूरे साल बिकते हैं, ना कि एक पर्टिकुलर सीजन में। जैसे अम्ब्रेला, जिसकी डिमांड सिर्फ मॉनसून सीजन में एक्सपोनेंशियली ग्रो होती है और बाकी पूरे साल हार्डली कोई सेल होती है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप जो भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं वो सीजनल प्रोडक्ट ना हो और ईयर लॉन्ग उसकी सेल हो। तो आपको कोई भी सीजनल प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करना है। एलिमेंट नंबर टू, नो लीगल प्रॉब्लम्स। उन प्रोडक्ट्स को बेचने से बचें जिन पर ट्रेडमार्क है या आप पर कोई लीगल केस हो सकता है। तो आप नहीं चाहेंगे कि आप बिजनेस शुरू करते वक्त किसी भी लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज में फंसे, इसलिए ट्राई टू अवॉइड एनी प्रोडक्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड और ट्रेडमार्क अनटिल एंड अनलेस यू हैव प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द ब्रांड टू सेल ऑन अमेजॉन। एलिमेंट नंबर थ्री, लाइट वेट एंड स्मॉल। जितने भी लाइट वेट एंड स्मॉल प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमेशा प्रॉफिटेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू बिग एंड हैवी प्रोडक्ट्स। इसके दो रीजंस हैं, लो शिपिंग चार्जेस एंड लेस स्टोरेज स्पेस। अब बात करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं। तो दो तरीके हैं जिनसे हम प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, एक है मैनुअल मेथड एंड दूसरा है ऑटोमेटेड मेथड। पहले बात करते हैं मैनुअल मेथड की, जिसका स्टेप नंबर वन है एनालाइज द बेस्ट सेलर लिस्ट। अमेजॉन खुद आपको रिसर्च में अच्छी खासी हेल्प करता है, बस आपको अमेजॉन के बेस्ट सेलर पेज पर जाना है। अमेजॉन पर सब टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कैटेगरी वाइज अवेलेबल होते हैं। आपको इस पेज पर जो भी लिस्टिंग्स हैं उनको चेक करना है और फिगर आउट करना है कि कौन सा आइटम सबसे ज्यादा बिक रहा है। इससे आप अपने लिए इन सभी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज से एक निश डिसाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट आपको चेक करनी है प्रोडक्ट सेलिंग इन्फो। यहाँ आपको फिगर आउट करना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपकी टारगेट ऑडियंस को अपील करेगा, और इसके साथ साथ आपको अपने सेलेक्ट किए हुए प्रोडक्ट से रिलेटेड आइटम्स भी आइडेंटिफाई करने हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि आपको आगे बिजनेस किस डायरेक्शन में एक्सपैंड करना है। एंड फाइनली आपको ध्यान रखना है कि आपका प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो मॉडरेट हो, ना ही वो बहुत ज्यादा महंगा हो और ना ही वो बहुत ज्यादा सस्ता हो। तो यहां तक आप अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कर चुके हैं, अब आपको चेक करना है कि प्रोडक्ट डिमांड में है या नहीं। इसके लिए आप गूगल कीवर्ड प्लानर और गूगल ट्रेंड का यूज कर सकते हैं। मैनुअल मेथड का स्टेप टू है एनालाइज द कॉम्पिटिटर्स। आपको कॉम्पिटिटर्स के लिस्टिंग पेजेस को एनालाइज करना है, उसमें से जो भी अच्छा है उसको अपने लिस्टिंग पेजेस में और प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट करना है। साथ में उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको भी चेक करना है कि वहां पर वो कौन से प्रोडक्ट के फीचर और डिस्क्रिप्शंस को किस तरीके से वहां पे लिख रहे हैं। कोशिश करें कि वो अमेजॉन के अलावा अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट कर रहे हैं।
अगर हो सके तो कॉम्पिटिटर का एक प्रोडक्ट परचेज करके देखें, इससे आपको कॉम्पिटिटर के पैकेजिंग, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी और फीचर्स का एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा। आप इस पूरे मैनुअल मेथड को फास्ट और ऑटोमेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ थर्ड पार्टी टूल्स की जरूरत होगी, जैसे जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, हीलियम 10, एएमजी स्काउट। ये सभी पेड टूल्स हैं जिनकी हेल्प से प्रोडक्ट रिसर्च में आपका टाइम और एफर्ट दोनों कम लगेगा। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप इन टूल्स को परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट लो है तो आप शुरुआत में मैनुअल प्रोडक्ट रिसर्च भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो प्रोडक्ट रिसर्च करते वक्त आपको अवॉइड करनी है। पॉइंट नंबर 1, चूजिंग अ वेरी स्मॉल निश। आपको वो प्रोडक्ट चूज करना है जो कस्टमर जल्दी नोटिस करे और जल्दी से जल्दी परचेज करे, मतलब आपको एक्टिव मार्केट में पार्टिसिपेट करना है। तो गलती से भी अपना निश को बहुत ज्यादा नैरो डाउन ना करें कि उसके लिए कस्टमर एग्जिस्ट ही ना करता हो। पॉइंट नंबर 2, सेलिंग प्रोडक्ट एट एक्सट्रीमली लो प्राइस। एज अ सेलर, अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से प्राइस वॉर करने का सोच रहे हैं तो एक बार समझ लीजिए, आप अपनी इनकम को सेबोटाज कर रहे हैं, ना कि कॉम्पिटिटर के प्रॉफिट को। प्रोडक्ट प्राइसिंग डिसीजन कभी भी सिर्फ कॉम्पिटिटर बेस्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कॉम्पिटिटर कितने प्रॉफिट मार्जिन पर प्रोडक्ट सेल कर रहा है और उसकी सोर्सिंग कॉस्ट क्या है, उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है। तो हमेशा प्राइस कॉम्पिटिशन एंड खुद की कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करें। पॉइंट नंबर 3, नॉट कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट मार्जिन्स। सबसे बड़ी मिस्टेक जो अमेजोन सेलर करते हैं वो है कि वो अपने प्रॉफिट मार्जिन सही से कैलकुलेट नहीं करते। वो अमेजन फी के इम्पैक्ट को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं और फिर बाद में अमेजोन से कम पेमेंट आने पर परेशान होते हैं। तो हमेशा प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त अमेजन फी का भी ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 4, फेलिंग टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट। अगर आपको दिख रहा है कि जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं उसके लिए आपके एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स को खराब रिव्यूज या बहुत कम रेटिंग मिली हुई है, और आप फिर भी बिना उस प्रोडक्ट में कोई सुधार किए या कॉम्पिटिटर की उन गलतियों से सीखे बिना अगर आप वही प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करते हैं तो वो आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। नाउ रिकैप व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस मॉड्यूल। तो सबसे पहले आपने जाना व्हाट इज प्रोडक्ट रिसर्च, सेकंड हमने जाना व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च, उसके बाद की एलिमेंट्स क्या-क्या होते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के, फोर्थ हमने जाना कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं, एंड फाइनली थिंग्स दैट वी नीड टू अवॉइड ड्यूरिंग प्रोडक्ट रिसर्च। डिस्कवर Amazon के इस वीडियो में इतना ही। Amazon प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड क्विज एक्टिवेट हो चुकी है, सो जस्ट गो एंड टेस्ट योर नॉलेज। लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप अपना Amazon अकाउंट अमेजिंग मार्केटिंग टीम से मैनेज करवाना चाहते हैं या अपनी लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज कराना चाहते हैं या Amazon अकाउंट सस्पेंशन से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप अमेजिंग मार्केटर की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे Amazon शिपिंग के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप मुझे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। हैंडल्स का नाम है फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन ऑफ डिस्कवर Amazon। टिल देन कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।